सो हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आज तो शायद अच्छे ही नहीं होंगे, क्योंकि जो आपने थंबनेल में देखा वो बिल्कुल राइट बात है। बीजीएमआई बैन अगेन इन इंडिया। यस, बीजीएमआई बैन अगेन इन इंडिया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्या रीजन रहा होगा, वो मैं वीडियो स्टार्ट करने के बाद बताता हूँ। तो गाइस वीडियो छोटा सा और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो गाइस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वीडियो को जरूर एंड तक देखना। लेकिन गाइस अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ साथ फन भी मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक, वीडियो को तरह से कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एक छोटे से इंटरव्यू बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, BGMI Battlegrounds Mobile इंडिया बैन अगेन इन इंडिया। सॉरी क्या बोल दिया, कुछ भी। तो हाँ भाई, Battlegrounds Mobile इंडिया बैन अगेन इन इंडिया, सही तो बोला था। वो इंडिया पहले नाम में आता है गेम के नेम में ना, तो मैंने गलत नहीं बोला था यार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो भाई गवर्नमेंट ने तो अभी तक कोई ऑफिशियली न्यूज ऐसी नहीं दी है, लेकिन गाइस गूगल ने, हाँ जी गाइस गूगल ने ऑफिशियली न्यूज दे दी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें इन एप्लीकेशंस को, 50 एप्लीकेशंस लगभग थी, ठीक है, इन एप्लीकेशंस को बंद करने के लिए पीछे से ऑर्डर आ चुका है बैन करने के लिए। उनमें से एक BGMI भी था। तो मतलब क्या बोले, ऐसे आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बात बता दूं कि काफ़ी टाइम पहले से गवर्नमेंट में अंदर ये बात चल रही थी भाई बैन करने को लेकर, ठीक है। बहुत सारे NGO भी इसके पीछे थे बैन कराने को लेकर, है ना, क्योंकि इसे तीन बड़े रीजन आपको बता देता हूँ। एक कि भाई लोग आए दिन मार रहे हैं भाई को, माँ को, बाप को, है ना, फ्रेंड को, गेम के लिए, जस्ट ओनली गेम के लिए। तो भाई क्या सिखाता है, देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी खेलता हूँ, है ना, लेकिन इन चीज़ों से मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है हम लोगों पे, नहीं छोटे बच्चों पे तो अक्सर पड़ जाता है। दूसरा बड़ा रीजन अपन देखे तो भाई लोग, बच्चे लोग नहीं, बड़े लोग तो क्या, बच्चे अपने माँ बाप के अकाउंट से टॉपअप वगैरह, UC वगैरह खरीदना करते थे और माँ बाप को पता भी नहीं है। मतलब आए दिन बच्चे घर वालों को बताते भी नहीं है और सारी चीज़ें कर लेते, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई आजकल। सिंपल सा एक कुछ एक दो पिन मांगते हैं और UPI वगैरह से, बैंक वगैरह से हाथों हाथ विड्रॉल हो जाता है, कुछ ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो सिंपली से बच्चे कर लेते हैं और घर वालों को बताते भी नहीं, ये भी एक बड़ा रीज़न था बैन करने के पीछे, ठीक। अभी आपने पीछे देखे होंगे भाई, 40-40, 50-50 लाख रुपए छोटे छोटे बच्चों ने, मेरे से भी छोटे बच्चों ने गेम पे लगा दिए। मतलब क्या यार, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, 50 लाख रुपए मेरे को तो अभी दे दो भाई, मैं तो बड़ा सा स्टूडियो खड़ा कर लूँगा, दे दो कर दो थोड़ा सा। हाँ नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप बस सपोर्ट बनाए रखो ऐसे ही। अभी तो व्यूज़ वैसे भी डाउन जा रहे हैं, तो बस आप मेरे साथ रहो और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यूट्यूब को देगा मेरे को जो भी देगा। सो गाइस अगर तीसरा बड़ा रीजन बताए तो इसका सबसे बड़ा रीजन है टाइम किल। हाँ जी गाइस, टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करता था ये। मतलब वैसे तो उन्होंने टाइम रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगाए थे, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए भाई अनलिमिटेड खेलते थे लोग गेम, जितना मन चाहे उतना खेलते थे। और एक छोटा सा माइनर रीजन ये भी है, मेरी तरफ से बोल रहा हूँ ये तो मैं, कि है ना, अपन घर में भी मेरे को बोला है, सबने बोला है, जिससे अपन बोलते हैं घर में, मार मार मार, इसको मार, इसको मार, इसको ऊपर से आ रहा है उसको मार, साले का खोपड़ी तोड़ साले, गोली चला दे, है ऐसा थोड़ा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी घर वालों को भी ये, या दूसरे बड़े को कोई भी, तो मार मार क्या सिखाते हैं गेम में, ये सिखाते हैं मारना मारना। तो कहीं ना कहीं ये वाली बातें भी अच्छी नहीं लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा बंदे को बनाती है ये, तो इसीलिए ऑफिशियली बैन किया गया है इंडिया में। तो हाँ गाइस, जिनके फ़ोन में पहले से BGMI है, जैसे कि मेरे फ़ोन में है, तो क्या हमारे फ़ोन में चलेगा? तो हाँ जी गाइस, अभी तक तो मक्खन जैसे चल रहा है, एकदम चुम्मेश्वरी क्वालिटी मिल रही है, स्पीड चल रहा है अभी तो। लेकिन क्या हुआ था, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना पहला गेम, उसमें मैं इसको बाहर निकाल लेता, आई डोंट नो, बाहर कई बार ऐसे भी निकाल लेते हैं, वो रीजन हो रहा होगा। उसके बाद मैंने 2-3 बार स्टार्ट किया तो प्रॉपरली वर्क कर रहा था। तो भाई इसका कहीं ना कहीं थोड़ा घाटा भी होगा स्ट्रीमर्स, थोड़ा नहीं बहुत घाटा होगा स्ट्रीमर्स वगैरह को, है ना, गेमर्स वगैरह को, लेकिन ठीक है यार, वो समझ रहे होंगे, सबसे पहले देश जरूरी है, उसके बाद गेमिंग वेमिंग, वो तो समझदार होंगे ना कुछ लोग तो। अब कुछ लोग नहीं होंगे तो कहेंगे करने दो उनको, ऐसा ही चलता रहता है सिस्टम। सो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और भाई वीडियो पे कमेंट कर देना अच्छा सा, है ना, और शेयर तो आपको पता करना ही है, ये ऐसी न्यूज़ ही ऐसी है कि शेयर तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ कर देना है। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस।